हेलो फूडीज़, वेलकम टू कुक विद लिपी। आज हम लोग आलू का पराठा बनाएंगे। आलू का पराठा नाश्ता में खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और ये आलू का पराठा खाने के लिए आप लोग को सॉस या फिर चटनी या फिर आप लोग प्लेन भी खा सकते हैं। आलू का पराठा एकदम खाने में नर्म, एकदम थोड़ा सा क्रिस्पी हल्का सा लगता है। चलिए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आलू का पराठा कैसे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। आलू का पराठा बनाने के लिए मैंने कुछ आलू लिया हुआ है, और एक प्याज को मैं बारीकी उसको काट ली हूँ, और एक मिर्च को कुछ मिर्च को बारीकी काट लिया है। अभी आलू को मैं बॉईल करने डाल दूँगी। उसके लिए मैंने धनिया पाउडर आधा चम्मच लिया है, और कश्मीरी लाल मिर्च आधा चम्मच लिया है, और हल्दी पाउडर आधा चम्मच लिया है। इसके लिए मैं कटोरा में तीन कटोरा देखिए मैं आटा ले ली हूँ, और इसको मैं डालूँगी। तीन कटोरा लिया हुआ है, अभी इसको डालना है, और इसमें मैं अपने स्वाद के अनुसार नमक डालूँगी। देखिए स्वाद के अनुसार नमक डालना, और इसके बाद इसमें मैं दो चम्मच रिफाइन तेल डालूँगी। रिफाइन तेल मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि ये थोड़ा फूलेगा और ये सॉफ्ट और थोड़ा हल्का एक थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी बनेगा। हम लोग का जो पराठा है अच्छा बनेगा, इसीलिए मैं इसमें अच्छे से देखिए इसको मिला लेना है। तेल डालने के बाद देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है। अभी इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे, गूंथ लेंगे अच्छे से इसको। ये देखिए मैं अच्छे से हल्का हल्का हाथों से इसको अच्छे से गूंथ लेना है। इसका एकदम अच्छे से इसका डो रेडी कर लेना है, ना इसका ज़्यादा टाइट रहेगा और ना ही ये ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। आपको मीडियम इसका डो रेडी कर लेना है। मैं इसको अच्छे से गूंथ लूँगी, एकदम गूंथ के रेडी कर लूँगी। इसको गूंथ लेना अच्छे से। देखिए मैं इसका डो रेडी कर चुकी हूँ। देखिए एकदम ना ज़्यादा टाइट है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसे ही आप लोग को गूंथ के रेडी करना है। अभी इसको साइड में 15 मिनट के लिए रख के रख देना है, 15 से आधा घंटा के लिए। देखिए मैंने जो आलू बॉईल कर लिया है उसका मैं छिलका उतार ली हूँ, और अभी इसमें हम लोग स्वाद अनुसार इसमें नमक डालेंगे और इसको मिला लेंगे अच्छे से, क्योंकि हम लोग को आलू को अच्छे से मिला लेना है। इसका कोई भी दाना दाना नहीं रहना चाहिए, अच्छे से इसको मिला लेना चाहिए, इसमें कोई लम्स ना रहे। ऐसे ही इसको अच्छे से मिला देंगे क्योंकि हम लोग को इसका मसाला रेडी करना है। मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी। देखिए मैंने आलू को अच्छे से मिला लिया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं है, अच्छे से मिला लिया है। चलिए अभी हम लोग मसाला इसका रेडी करते हैं। मैं एक पैन ले ली हूँ और पैन को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया है। उसके लिए मैंने दो चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ है। अभी वो सरसों का तेल से ही हम लोग इसका मसाला रेडी करेंगे। सरसों का तेल देखिए पैन गरम हो गया, मैं इसमें डाल दी हूँ, और सरसों का तेल को थोड़ा देर गरम होने के लिए हम लोग रखेंगे। देखिए ये थोड़ा हम लोग का गरम हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स अभी इसमें हम लोग जो प्याज और मिर्च काट के रखे थे उसको डाल देंगे, और इसको अच्छे से थोड़ा देर मिलाएंगे। थोड़ा देर इसको ना गोल्डन कलर फ्राई होने के लिए रख देंगे। देखिए हम लोग का ये थोड़ा गोल्डन कलर हो गया है, थोड़ा ये नरम हो गया है। अभी हम लोग जो जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च लिए थे उसको सूखा पाउडर का हम लोग डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाला को। देखिए अच्छे से इसको मिलाना है, इसको ज़्यादा देरी भूनना नहीं पड़ता है क्योंकि सूखा मसाला जल्दी ही फ्राई हो जाता है। इसको ज़्यादा देरी हम लोग को फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएगा। अभी मैं इसमें आलू डाल दी हूँ, और आलू को अच्छे से मिलाना है। देखिए आलू को अच्छे से आपको मिला देना है मसाला के साथ। देखिए आलू को मिलाने के बाद थोड़ा देरी बस इसको हम लोग को
फ्राई करना है, ज़्यादा इसको फ्राई करना नहीं है, हम लोग का रेडी हो जाएगा। देखिए मैं थोड़ा देर इसको फ्राई कर चुकी हूँ, हम लोग का ये रेडी हो चुका है। मैं इसको प्लेट में निकाल दूँगी। देखिए मैं प्लेट में निकाल दी थी, ये पूरा हम लोग का मसाला रेडी हो गया। और हम लोग अभी इसका आधा घंटा हो चुका है, अभी हम लोग इसका पराठा हम लोग रेडी करेंगे। इसको ऐसे गोल इसका एक तो लोई बना लेंगे, और लोई बनाने के बाद इसमें हम लोग आलू भरेंगे। देखिए मैं स्टफिंग कैसे भर रही हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही भरना है आराम से धीरे धीरे। आप लोगों को ज़्यादा आलू अपने हिसाब से आलू डालिएगा, ज़्यादा आलू डालने से भी निकलने लगता है। अच्छा आराम से इसको दबा दबा के भर देना है, और इसको एकदम लोई रेडी कर लेना है भरने के बाद। ये देखिए मैं रेडी कर ली हूँ इसका कैसे। अभी इसको ऐसे ही पेड़ा टाइप इसका बनाएंगे, और इसको बेलेंगे हम लोग। बेलने से पहले इसमें थोड़ा आटा जो है उसको छिड़क के हम लोग ऐसे ही इसको गोल 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 हल्के हल्के हाथों से दबा दबा के इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, और उसके बाद हम लोग बेलेंगे क्योंकि आलू निकलने लगता है। और आप लोग हल्के हल्के हाथों से निकले, देखिए हल्के हल्के हाथों से ही आप लोग को करना है। आप लोग बेल लीजिएगा ऐसे ही, देखिए हाँ देखिए मैं इसका बेल चुकी हूँ। देखिए मेरा तवा गर्म हो चुका था, इसीलिए मैंने पराठा को डाल दिया, और पराठा को थोड़ा देर ही हम लोग सीखेंगे। देखिए मैं इसको थोड़ा पलट दी, अलट पलट करके इसको अच्छे से सीखना है। ये जब थोड़ा थोड़ा सीख जाएगा, देखिए ये थोड़ा थोड़ा सीख गया है। अभी हम लोग इसमें तेल डालेंगे। आप लोग इसके जगह में बटर या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इसमें तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग अगर बटर या घी पसंद हो तो आप लोग बटर या घी डाल के उसको रेडी करें। अभी उसको थोड़ा देर ही हम लोग ऐसे ही तेल डालने के बाद फ्राई करेंगे, जब तक ये थोड़ा गोल्डन कलर ना हो जाए। देखिए मैं इसको बना लूँगी। ऐसे ही हम लोग को सारा पराठा बना के रेडी कर लेना है। मैं ऐसे ही सारा पराठा रेडी कर लूँगी, इसको भी निकाल लेना है। देखिए मैं ऐसे ही सारा पराठा रेडी कर चुकी हूँ, और देखिए ये कैसे सब चारों तरफ उसका आलू का स्टफिंग पूरा भर गया है, और कितना अच्छा बना है। इसके लिए मैंने टमाटर का चटनी बनाया था। अगर आप लोगों को मेरा टमाटर चटनी देखना हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, और आप लोग को और भी कोई मेरा रेसिपी देखना है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को कौन सा रेसिपी देखना है। अगर आप लोग को ये मेरा रेसिपी पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को जल्द ही मिल जाए। चलिए।